4 का कितना का 5 का 10 नंबर, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखना है, सो ये जो है 1 + 10² ये बटा 1 + cot² इतना के बराबर है 1 - tan a / 1 - cot, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। और दोनों के बदले में बराबर में क्या लाना है हमको, टेन स्क्वायर लाना है, ठीक है। उसके बाद हम ध्यान देते हैं, सो देखिए परीक्षा में आपको इस तरह के भी सवाल पूछा जा सकता है, 1 + tan² a / 1 + cot² किसके बराबर, टेन स्क्वायर के, इस तरह के पूछा जाएगा। और ये जो 1 - tan a / 1 - cot का होल स्क्वायर, इतना बराबर हमको टेन स्क्वायर भी लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलेंगे, दोनों को हम लाएंगे टेन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो 1 + tan² किसका सूत्र होता है, sec स्क्वायर का, और 1 + cot² cosec स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम बताए हुए ऐसे जब भी tan आएगा वहां पर sin / cos आएगा, ठीक है। जहां tan रहेगा वहां क्या होगा, sin / cos होगा। 1 - यहाँ cot है तो यहाँ पर हो जाएगा cos / sin हो जाएगा, ठीक है। हमको लाना है tan स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, sec स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 / cos² ठीक है, 1 / cos² और cosec स्क्वायर का सूत्र होता है 1 / sin² ठीक है। और उसके बाद अभी उतारिए नहीं, जाइए महाराज पूरा देखबे नहीं कि अब ये छापना शुरू कर दी रे, समझिए पहले। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 / 1 इसको कर देंगे। अब इसके पहले भी हम बताए हुए थे, जब भी मतलब एक भिन्न में रहे तो जो बचता है उसमें क्या कर देते हम लोग, गुना कर देते, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 1 अकेला बैठा हुआ है, यहाँ पर साइन बाई कॉस होता है, कॉस से हम लोग क्या करेंगे 1 में गुना कर देंगे, ठीक है। और माइनस साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अकेला बेचारा है तो ये भिन्न का जो साइन जो है इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए नहीं ना होगा, साइन एन होगा, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, साइन ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले कभी नहीं बदलते लेकिन नीचे वाले हम लोग क्या है, खिचरा है, हम लोग बदलते रहते हैं, हम लोग अपना अथी पर चलबे नहीं करते, सब कोई मतलब देखिए वो ये सब क्या है, निर्जीव है, निर्जीव होने के बाद भी नहीं बदल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 / क्या हो जाएगा, कॉस ए गुना है, देखिए यहाँ पर इसको सीधे पलट देंगे, साइन ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे चलाएगा, साइन ऊपर 1 नीचे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 में साइन से गुना करेंगे साइन हो स्क्वायर हो जाएगा, अब बटाओ 1 में कॉस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर। अब इसके नीचे में यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये भी आपका भागा के रूप में है तो किस में बदलेगा, गुना में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, गुना में बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह साइन नीचे है बटा में, तो साइन क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये बीच वाले जो अंक जो होते हैं ना वो नीचे आ जाते हैं, ऊपर वाले जैसे के तैसे रहेंगे, और ये बीच वाले जो अंक है नीचे आ जाते हैं, नीचे के अंक क्या आ जाते हैं, ऊपर चला जाता है। देखिए साइन को हम ऊपर कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - cos हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए cos प्लस में है, इसमें क्या है, cos माइनस में, जब तक हम दोनों को सेम नहीं कर लेते तब तक हम कटा नहीं सकते। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे हम सेम कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा cos a - sin a, अब बटा क्या हो जाएगा, cos a और गुने sin a बटे हो जाएगा sin, देखिए यहाँ पर माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस आपको प्लस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको इससे हम काट सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन बटा कॉस क्या आप लोग पढ़े हैं, टेन स्क्वायर पढ़े, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस कॉमन लिया है तो साइन बटा क्या है, कॉस है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर दे देते हैं माइनस साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर जब भी रहता है तो वह पावर जब सम संख्या हो तो निश्चित तौर पर आपको क्या आएगा, प्लस आएगा। वही पावर अगर विषम संख्या होता है तो वह माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जब सम संख्या पावर है तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। टेन स्क्वायर ए बराबर साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, यही तो आपको लाना था। दोनों से हम ला दिए, मतलब इससे भी टेन लाए और इससे भी टेन लाए, दोनों बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग ही आप लोग समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग आता है। आप लोग से निवेदन, रिक्वेस्ट, आशा है कि आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, प्रणाम।